टाउनशिप के सेक्टर 2 स्थित गणेश पंडाल में विश्व योग दिवस के अवसर पर योग उत्सव का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें दुर्ग जिला सांसद विजय बघेल और छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे शामिल हुए। उन्होंने शहरवासियों को योग दिवस की बधाई देते हुए योग की विधा को अपनाकर स्वस्थ रहने जागरूक किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भिलाई शहर में अनेकों आयोजन हुए। इसी कड़ी में सेक्टर 2 गणेश पंडाल में भी योग उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिले के सांसद विजय बघेल और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन प्रेम प्रकाश पांडे शामिल हुए, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं सहित क्षेत्रवासियों ने योगाभ्यास किया और योग गुरुओं से जाना कि किस प्रकार योग को अपने जीवन में उतार कर एक स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। योग प्राचीन भारत की एक कला है, जिसे पूर्व के ऋषि मुनियों द्वारा अपनाया गया, जिससे वे काफी लंबी आयु प्राप्त कर योग साधनाओं के माध्यम से अपनी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाते थे। आज वातावरण इतना प्रदूषित हो चुका है कि इस विधा को अपनाना आवश्यक है। योग की यह विधा मस्तिष्क से पैरों तक ऊर्जा का संचार करने में सक्षम है। स्वस्थ रहें, निरोग रहें, मस्त रहें और अपने परिवार के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर इस प्रदेश को, इस देश को आगे बढ़ाएं। इन शुभकामनाओं के साथ आज योग दिवस पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है। हम लोग जब छोटे थे तब सेक्टर 10 में योग संस्थान था और उस समय ये माना जाता था कि योग शायद कुछ ऋषि मुनियों के लिए ही बना है और कुछ विशिष्ट प्रकार के ही लोग कर सकते हैं। तो हमें इसको स्वास्थ्य भी जोड़ा और योग की जो शाब्दिक अर्थ है। इस अवसर पर माननीय प्रेम प्रकाश पांडे एवं दुर्ग जिला सांसद विजय बघेल ने क्षेत्रवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी एवं योग को अपने जीवन में अपनाकर स्वस्थ जीवन जीने के लिए जागरूक किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।